तो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज के इस नए व्लॉग में आपका स्वागत है। अभी फिलहाल हो रहे हैं दोपहर के 3:25 और मैं हूँ जैसमंद रोड रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं ये पूरा जैसमंद रोड रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर जो है फिलहाल कुछ ही देर में मेरा भाई जो है इस ट्रेन से गुजरात से जो है यहाँ आने वाला है जैसमंद रोड। और यहाँ से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर जो है उदयपुर है, और उदयपुर से थोड़ा सा इधर मेरा गांव है, और इधर से जो है गुजरात की ट्रेन आती है। तो आपको पूरी ट्रेन दिखाएंगे, और ट्रेन में मेरे भाई की यात्रा कैसी रही और कैसा सफ़र रहा इसमें आपको पूरा बताया जाएगा। और ट्रेन का टिकट मैं आपको बता दूँ, 90 रुपये जो है अहमदाबाद से उदयपुर के लिए टिकट है, मतलब जैसमंद रोड तक का 90 रुपये टिकट है। हो सकता है उदयपुर का 10-20 रुपये ज़्यादा हो सकता है। और ये पूरा रेलवे स्टेशन है। लगभग ये ट्रेन जो है सुबह 10:25 पर निकली थी, और अभी 3:25 तक यहाँ पर पहुँचने वाली थी, लेकिन जो है आज लेट है थोड़ी ट्रेन। अभी 3:25 से लगभग ऊपर होने वाला है, लेकिन ट्रेन अभी तक आई नहीं, दूर से आवाज़ आ रही है, आने वाली है। तो चलिए आपको पूरी जर्नी दिखाते हैं, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। रेलवे स्टेशन जो है जैसमंद रोड का काफी ही खूबसूरत बन गया है, और आप देख लीजिए यहाँ पीने के पानी की भी काफी अच्छी सुविधा है। और देख लेते हैं इसमें पानी वगैरह आ रहा है या नहीं। बिल्कुल पानी भी यहाँ पर जो है अच्छे से आ रहा है। और यहाँ पर दो पॉइंट है, ये नंबर 1 है और उधर सेकंड नंबर ये स्टेशन है। आप उधर से जाना चाहे तो उधर से भी जा सकते हैं। और ट्रेन की आवाज़ आ गई है दोस्तों, दूर से ही ट्रेन बज रही है। और ये ऊपर का पुल इस साइड से उस साइड जाने के लिए, लगभग ट्रेन आ ही गई है। दूर से यहाँ ट्रेन जो है उस पटरी पे दिख रही है, जो आप बीच वाली जो देख पा रहे हैं उसके ऊपर, और हो सकता है वहाँ से जो है टर्न होकर इस पटरी पे आएगी। दूर से आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ट्रेन। देख लीजिए सामने वो ट्रेन आ रही है जो इस बीच वाली पटरी पे, अब देखते हैं वो कैसे मूव ऑन होती है। सो गाइस, जैसा हमने सोचा था एग्जैक्टली वही हो रहा है। ट्रेन जो है उस पॉइंट से सीधा इधर आई है, और इधर से होकर ही ट्रेन पूरी आ रही है। मैं आपको बता दूं, अगर आप अहमदाबाद से उदयपुर आ रहे हैं, तो अगर आप जैसमंद घूमना चाहते हैं, जैसमंद जो विश्व प्रसिद्ध जो है मीठे पानी की झील है, और आप सलुम्बर घूमना चाहते हैं जहाँ हाड़ी रानी का जो है महल बना हुआ है, जो इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है, सिर काट दे दियो छत्राणी, वो हाड़ी रानी जो सलह कवर उनका जो है प्रसिद्ध महल बना हुआ है यहाँ पे, जिन्होंने अपना जो है सर जो है भेंट कर दिया था। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रेलवे स्टेशन, और यहीं से जो है चावंड पास में है जो महाराणा प्रताप की स्थली है, जो महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी रही थी, और महाराणा प्रताप का स्मारक भी चावंड में बना हुआ है। यहाँ से ये जो सारे पॉइंट है 4-5 किलोमीटर के एरिया में ही हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर विजिट कर सकते हैं। तो ये कुछ रेलवे स्टेशन है पूरा, और सामने से ये ट्रेन आ रही है। ता है तो उसको यहाँ जैसमंद रोड जरूर उतरना चाहिए, और यहाँ उतर कर महाराणा प्रताप की जो स्थली है चावंड, वहाँ और सलुम्बर तो जरूर ही घूमना चाहिए, और काफ़ी अच्छी जगह है। और जैसमंद तो है ही विश्व प्रसिद्ध मीठे पानी की झील, जहाँ पर महल भी बने, और अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी चालू हो गई है, जंगल सफारी, तो आप उसमें घूम सकते हैं। और फिलहाल मैं आपको ट्रेन दिखा देता हूँ, ये कुछ ट्रेन है जो आ गई है अहमदाबाद से, ये पूरी ट्रेन है। सो गाइस, ये कुछ पूरी ट्रेन है। अच्छा, ट्रेन तो आ गई है और मेरा भाई भी उतर चुका है।
मेरा भाई आ गया है ट्रेन से उतर कर। हेलो ब्रदर, हाय, कैसे हो? बढ़िया। कैसा रहा सफर? अच्छा रहा। अच्छा रहा। कितने बजे बैठे थे? दस पाँच पर सुबह। और टिकट कितना लिया? 90 रुपये। तो ये आगे लास्ट कहाँ तक जाती है? उदयपुर चित्तौड़। मैं आपको ट्रेन दिखा देता हूँ। ये जो ट्रेन है चित्तौड़ असारवा हिम्मतनगर के नाम से आती है, और ये कुछ जैसमन रोड स्टेशन है, और ये सवारी है। बिल्कुल पूरी ओपन है क्या ट्रेन? ये चलेंगे स्लिंग। तो चलिए अंदर से मैं आपको ट्रेन दिखा देता हूँ पूरी। ये आप देख सकते हैं ट्रेन जो है अंदर से पूरी ओपन है, पूरी लास्ट तक ओपन ही है। ये सीट वगैरह भी काफी अच्छी है इसमें, देख सकते हैं। ये लोकल डिब्बे, पूरी लोकल है ये। अच्छा चलो, ट्रेन जाने का समय हो गया, अपन उतर जाते हैं। और ये ट्रेन आप देख सकते हैं पूरी ही लोकल ट्रेन है, और अंदर बैठने की कैसी व्यवस्था मैंने आपको दिखा दी। तो लगभग 2-3 मिनट यहाँ पर खड़ी रहती है ट्रेन, और फिर चली जाती है। तो ये अभी सीधा जाएगी यहाँ से उदयपुर, और उदयपुर से चित्तौड़गढ़। तो इस ट्रेन से आप चित्तौड़ भी घूम सकते हैं, चित्तौड़ जो काफी विश्व प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। चित्तौड़गढ़ के बारे में ऐसा कहा जाता है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है राजस्थान का। और ये ट्रेन बिल्कुल जा रही है वापस आगे उदयपुर, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की ओर। ये अहमदाबाद के असारवा से, कौन से रेलवे स्टेशन से बैठा था भाई? असारवा। तो अहमदाबाद का जो असारवा रेलवे स्टेशन है वहां से स्टार्ट होती है, और हिम्मतनगर होते हुए सीधा जैसमन रोड और अहमदाबाद तक जाती है, सॉरी उदयपुर तक जाती है। तो ये कुछ क्या हुआ? दोनों साइड इंजन चालू है। दोनों साइड चालू है, क्या बात कर रहे हो। तो आपका सफर ऑलमोस्ट कैसा रहा? अच्छा रहा। बिल्कुल, मेरा भाई जो है ये भी ब्लॉगर है, लेकिन बहुत शर्मा रहा है अभी क्योंकि बीमार हो गया था, इसलिए अचानक मैं इसको लेने आ गया। अहमदाबाद गया था ये और रिटर्न आ गया। तो ये कुछ रेलवे स्टेशन है यहाँ का। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। फिलहाल मैं घर जा रहा हूँ, और अहमदाबाद से जो कोई भी यहाँ उदयपुर में घूमने के लिए आता है वो जरूर यहाँ पर स्टे एक बार उतर कर देखें जैसमन रोड। यहाँ से आप जो है चावंड घूम सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको बार बार बता रहा हूँ, चावंड जो महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी रही, काफ़ी अच्छा स्थल है। वहाँ चामुंडा माता का मंदिर भी है जो महाराणा प्रताप द्वारा ही स्थापित है। यहाँ से आप सलूम्बर जा सकते हैं जहाँ हाड़ी रानी का महल बना हुआ है, और बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ से आप जैसमन लेक भी जा सकते हैं। जैसमन लेक जो है विश्व प्रसिद्ध मीठे पानी की वहाँ पर झील बनी हुई है, और बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पर अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्टार्ट होगी, जंगल सफारी आप जीप के माध्यम से जो है बैठ के कर सकते हैं। होटल रिजॉर्ट्स वगैरह काफ़ी बने हुए, पानी के अंदर भी रिजॉर्ट्स बने हुए, वहाँ आप जो है स्टे कर सकते हैं। तो फिलहाल ये ट्रेन हमारी जा चुकी है, और मेरा भाई आ चुका है, ये रहा। तो चलते हैं, मिलते रहेंगे किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।